हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई करा था तो उसकी मेरिट लिस्ट आ गई है, जिसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं कि आपको मेरिट लिस्ट और अपना नेम कैसे चेक करना है। वो वीडियो आप एंड कार्ड या आई बटन पर देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर आपका नंबर आ गया है तो आपको अपनी सीट कैसे लॉक करनी है, आज वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं ये भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और आपको अपनी सीट कैसे लॉक करनी है एडमिशन के लिए किसी भी कॉलेज में, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। तो आप ब्राउज़र पे आएंगे और सर्च करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी, और जो सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी .ac.in, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर देख सकते हैं एक अलर्ट पॉपअप आएगा जिसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का ऑप्शन है। अगर आपकी सेटिंग में ब्राउज़र की कोई फॉल्ट है और ये पॉपअप ओपन नहीं हो रहा तो ये कहाँ से देखना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, वो वीडियो भी आप आई बटन पे देख सकते हैं। तो इस पॉपअप को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ मेन्यू में ऊपर देख सकते हैं एडमिशन का ऑप्शन है, इस पर कर्सर ले जाएंगे और थर्ड ऑप्शन आएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, इसमें से आप अपनी पसंदीदा कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जो सीट लॉकिंग फीस है जो कि 700 के करीब है वो आप पे कर सकते हैं। उसके बाद यहां से देख सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का भी ऑप्शन है, यहां से आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं जिसका पॉपअप आप वेबसाइट ओपन करने के बाद आता है। अगर आपके सिस्टम पे नहीं आ रहा तो यहां से देख सकते हैं। उसके बाद यहां और भी कुछ ऑप्शंस हैं, पहले मैं आपको फॉर्म फिलिंग लॉकिंग सिस्टम दिखा देता हूं, उसके बाद आपको सीट चेक कैसे करनी है ये भी बता दूंगा। तो यहां ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये लॉगिन पोर्टल पे ले आएगा। तो आपने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा था एडमिशन के लिए तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला था, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डाल के ये कैप्चा कोड आप जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन इसको करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो डिटेल्स मैं यहाँ फिल करके लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करते ही आप जो भी कैंडिडेट होगा उसकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आपको यहाँ पे सिंपली नीचे सबमिट का बटन मिल जाएगा, यहाँ सबमिट करना है। आप जब सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड होंगे तभी आप यहाँ चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे आएंगे, और उससे पहले आपको यहाँ पे एक सबमिट काउंसलिंग फ़ी भी डिपॉजिट करनी होगी। तो मुझे यहाँ पे कोई भी डिटेल अपडेट नहीं करनी है, डायरेक्ट यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पॉपअप आएगा, यस सबमिट कर देंगे, करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाएंगे। तो देखिए सबमिट करा, यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया है, यहाँ ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ देखिए सबमिट काउंसलिंग फ़ी का ऑप्शन आ गया है। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ आपको कंसर्न देना होगा, यहाँ कंसर्न देंगे, कंसर्न देते ही सबमिट का बटन आ जाएगा, आप फिर से सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आ गया कि 200 रजिस्ट्रेशन फ़ी है, 500 एडवांस कोर्स फ़ी है, तो ये टोटल 700 का पेमेंट है, ये पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट कैसे करना है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड का ये बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक नोट भी दिया है पेमेंट से रिलेटेड, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये आपको पेमेंट पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। UPI ऑप्शन नहीं मिला है तो यहाँ बेस्ट रहेगा अगर घर में किसी का ATM कार्ड है तो उसका यूज़ करें, उसके लिए डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। जिसका भी डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, CVV नंबर कार्ड के पीछे आपको मिल जाता है 3 नंबर का, वो इंटर करके मेक पेमेंट पर क्लिक करें। अब मैं यहाँ पे डिटेल्स इंटर करके आपको पेमेंट करके नेक्स्ट स्क्रीन दिखाता हूँ। देखिए पेमेंट कंप्लीट करते ही आप वापस यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे, योर काउंसलिंग फी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आपको प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा जो कि नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे मूव कर जाएंगे। मूव करने से पहले यहाँ डाउनलोड फी रिसिप्ट का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रिसिप्ट है वो आ जाएगी, आप उसको सेव करके रख लेंगे जो कि आपको एज अ वेरीफिकेशन के लिए जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जो चॉइस करेंगे अभी आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आपको शो भी करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद ये प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरह की आएगी जिसमें आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिसका साइज आप देख सकते हैं 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट सारे अलाउड हैं, JPG, JPEG, PDF। और इसी तरह से अगर आपने OBC के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा है या EWS के अंदर रजिस्ट्रेशन करा है या किसी SC ST के अंदर रजिस्ट्रेशन करा था आपने जब भी एडमिशन के लिए अप्लाई करा था तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट मतलब कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से थे तो आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा।
तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, मैं दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सबमिट करके नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। तो अपलोड करने के लिए अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट बना के रखा है डबल क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अगर उसको देखना चाहते हैं तो व्यू इंटरमीडिएट मार्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। फिर अपलोड सर्टिफिकेट करेंगे तो जहाँ कास्ट सर्टिफिकेट रखा है उसको अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सबमिट का बटन आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते ही देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के प्रेफरेंस दिए हैं, 14 कॉलेज दिए हैं, जिसमें सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस का है, और बाकी अदर प्राइवेट कॉलेज, इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो जिसमें से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए उसके आगे देखिए सबके आगे ऐड का बटन दिया है, तो आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए आप उस पर पहले क्लिक करेंगे तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस माना जाएगा। तो जैसे LU फर्स्ट प्रेफरेंस है तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस आ गया LU। इसके बाद आप जितने भी कॉलेज क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएंगे और उसके बाद के प्रेफरेंस माने जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे शो करना है तो अभी मैं यहाँ पे बस LU कैंपस ही सेलेक्ट करूँगा। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं इस प्रेफरेंस को तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कॉलेज आप यहाँ पे ऐड करके सेलेक्ट करेंगे तो रीअरेंज का ऑप्शन आता है, आप उसको यहाँ से ड्रैग करके भी रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे एक ही कॉलेज सेलेक्ट करना था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ सेव एंड प्रोसीड का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते ही यहाँ सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ओके कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को जो भी आपके सामने आए एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो यहाँ पे करेंगे। लॉग प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पहले कैलकुलेशन जो है इसको कर देते हैं और उसके बाद लॉग करते हैं अपनी सीट को। तो यहाँ लिख दिया है, उसके लॉग प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस सबमिटेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ सक्सेस हो जाएगा, प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन चॉइस हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉग। आप ओके कर देंगे और यहाँ पे देखिए आपका हो गया, योर प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन चॉइस हैज़ बीन लॉग फॉर द अलॉटमेंट। अब आपको इसकी भी प्रिंटआउट निकालना है, जिसके लिए ये प्रिंट प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका भी प्रिंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए आप एक प्रिंटआउट के लिए जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करा है। कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर कर दिया है। ऊपर आपको राइट कॉर्नर पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ क्लोज का बटन है, इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सीट चेक करनी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में कितनी है और अदर कॉलेजेस में कितनी है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है, तो यहाँ पे ही आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपने ऊपर क्लिक करा था ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पे, वापस से यहाँ आएंगे तो नीचे देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, यूनिवर्सिटी सीट डिटेल्स का और कॉलेज सीट डिटेल्स का। तो यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है उसको देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है वो यहाँ देख सकते हैं। तो आपको अपना कोर्स ढूंढने के लिए कंट्रोल लेफ्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा, आपको जो भी सर्च करना है जिस भी कोर्स का उसको टाइप करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, और अप एंड डाउन का एरो है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने कोर्स पे भी जा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ BCom लिखा है तो देखिए यहाँ BCom के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई है कि BCom ऑनर्स में 180 सीटें हैं, BCom रेगुलर में 450 हैं और BCom सेल्फ फाइनेंस में 240 हैं। तो ये जो सीटें हैं ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। अगर आपको इसी तरह से अदर कॉलेज में लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड सीटें कितनी है देखना है तो उसके लिए वापस आएंगे और कॉलेज सीट डिटेल्स पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए सारे यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है वो यहाँ मिल जाएगी। उसके लिए भी फिर आप कंट्रोल एफ करके सब्जेक्ट को टाइप करेंगे और देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको ऑनर्स और BCom रेगुलर के बारे में सारी सीटों के बारे में पता चल जाएगा। तो आपकी जो भी रैंक है उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन होगा, यूनिवर्सिटी में या फिर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी।